मरदा जो देश वास्ते जिंदा नाम है, मरदा जो देश वास्ते जिंदा नाम है, जिंदा नाम है। वतन दे सर परोशो वतन गुलाम है, वतन दे सर परोशो वतन गुलाम है। गैरा दराज हो गए जीना आराम है, वतन दे सर सर, वीर भूषण की फांसी की तैयारी की जाए सर? या रस्सी कल रात भी लिया के प्यों दी गई है सर। रस्सी फाड़ने का काम गफूर में दिता गया सर, और खटका खींचने का जमादार हूँ सर। ठीक है, सर वीर भूषण तू एक बार मिलना चाहता सर। ना ना टाटा, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। जब उसकी बीवी मुलाकात के लिए आई थी तो एकदम मुंह फेर कर चल दिया था, आंख में पानी तक नहीं आने दिया था उसने। इनकलाबी बना फिरता है, आखिर है जो आदमी आंख में पानी आ जाता तो कौन सी उसकी इज्जत चली जाती। सर कैदी नंबर 708 फीरनाथ रात का बहुत हंगामा कर रहा सर, उसका की कीता जाए सर? खड़ने ठो कोठरी में बंद कर ठो। वो तो रात ही कर देता जी सर। ये 842 जेल के बाहर तो पॉपुलर था ही, जेल में भी हर कोई इसी के लिए चीख रहा है। सर सारे कैदी बाहर बैठा देते हैं। सर झगड़े फसाद निपटाने की तैयारी हो चुकी है सर, इजाजत होवे तो चले जाए सर। हाँ चलना तो होगा ही, हफ्ते में दो बार झगड़े फसाद निपटाना पक्का खाला टोपी जेल है। शुरू किया जाए? या सर कैदी नंबर 643 ये दफा 302 भी आया सर, कल इसने खाना खान तो इनकार कर दिता ते बैरक के दूसरे कैदियों भी खान तो रोक लिया सर। क्यों बेखो सर, बाहर तो आदमी को खाने को नहीं मिलता और तुम लोगों को मुफ्त में मिलता है। परवेज रोटी को लात मारता है। रोटी नु लत मारा तो मेरे शरीर च कीड़े पैन। फिर खाना क्यों नहीं खाया? किदा खांदा साहब, सब्जी विच एडेडियां लंबियां सूंडियां सन ते रोटी एकदम कच्ची। सुन रहे हो सीनियर? सर हमेशा इदां दा ही खाना मिलता है, असी आदमी हां जानवर नहीं। जब तुम चोरी डाका कतल खून करते हो उस वक्त तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम आदमी हो।
हाँ, और जब तुम्हें सजा मिलती है उस वक्त आदमी होने की दुहाई देते हो। सीनियर सो लंगर इंचार्ज को बोलो इन महान आदमियों के लिए अच्छा खाना बना खाए। जाओ भाग जाओ, अब अच्छा मिलेगा, लेकिन आइंदा ऐसी नेठागिरी नहीं चलेगी। गेट लॉस्ट। चलो सर, कैदी नंबर 793 नूरदीन, दफा 302 विच 7 साल दी रिग्रस इंप्रिजनमेंट सर। कल दोपहर काम छड़ के किताब पढ़ रहा सी, इस नू मुंज दलन दा काम दिता गया सर। क्यों बे बच्चू, सजा नहीं काटना तुमने? क्या पढ़ रहे थे, मटके की फिगर्स? नहीं जनाब, इम्तिहान दी तैयारी कर रहा सा। इम्तिहान यानी एग्जाम? जी जनाब, एफ ए दा इम्तिहान देना है। बैरक विच पढ़िया नहीं जांदा, अगले महीने मेरा इम्तिहान है। सीनियर सो नेक्स्ट मंथ इसका एग्जाम है, इसे काम पर किस गधे ने लगा रखा है? सर इसको काम की माफी दो, सेपरेट बंदी में रखो और जो किताबें मांगे ला कर दो। अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। एग्जाम में पास होकर दिखलाना, 15 रोज का माफी दूंगा। मैं पास होके ही दिखाऊंगा जनाब। ठीक है ठीक है। क्या बच्चों जैसी शिकायतें लेकर बैठ जाते हो सीनियर? कौन कवे साहब नू इंज नहीं ते इंज कर। लगता बेबी मेम साहब आ रही है। तैनू कैसे पता लगा? खुशबू आई है कलियां दे इत्र दी। बेबी मेम साहब लौंदी है ना? परमिशन के बगैर तुम्हें मिलने आई हूँ। चंगा होया आज जा गई, जे कल तेरे पापा परमिशन दे भी देंदे तो मैं ना मिलता। क्यों नाराज हो गए? नहीं, फूलों ना कौन नाराज होएगा? फूल? ओह यस, दिस इज फॉर यू। ये मैं तुम्हारे लिए लाई selfish। फूल आप रख लिए और खलियां मुझे दे दो। ए फूल खिड़ चुके ने, कल तक मुरझा जाएंगे। कल सवेरे 6 बजे मैनू फांसी दे दी जाएगी। What are you saying? इन्हें कलिया ने अजे खेड़ना है, ये तेरे आने वाले बच्चे लिए ने। मेरी एक तमन्ना है, तुम
थोड़ी खड़ोगे? तुम सिर्फ 15 डेज के लिए और रुक जाओ, ओनली फॉर 15 डेज. दोबारा जन्म लोगे तो मेरी गोद में आना. I want a child like you, brave and poet, Bahadur or Kavi. जे दुनिया विच पुनर्जन्म हुंदा है तो मैं जरूर आवांगा. बस तेरे जीसस दी रजा चाहिए. मैं चर्च जाकर जीसस से दुआ मांगूंगी. इतनी डार्क है? यस सर. विश्वास नहीं होता फाइलें गायब हो जाती हैं. उस छोकरे की फांसी रद्द करने का ऑर्डर भी यूं ही गायब कर दोगे? नहीं सर, फांसी रद्द करने का कोई हुक्म अजे तक नहीं आया सर. यही तो मैं कह रहा हूं, अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं आया? किसी भी गुंडे और चक्के का फांसी रद्द हो सकता है, फिर छोकरे का फांसी रद्द करने में क्या हर्ज है? सर, फांसी रद्द करने का हुक्मनामा ऑर्डिनरी डाक विच नहीं आएगा सर. हाँ, उस होम डिपार्टमेंट का राइडर लेके आएगा सर. या, इट्स राइट. ये थे में कौन से खत हैं? एक खत सर, कैदियों देने सेंसर कर ली रखे ने सर. अभी तक सेंसर नहीं किए. कमिश्नर के कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर्स के मुताबिक सर, वीर भूषण कैदी नंबर 842 की फांसी की तारीख गुप्त रखनी है सर. उसके रिश्तेदार इतों तक कि उसकी बीवी ने भी नहीं दसा जाना सर. तो कैदियों के खतों के राही गल बाहर लीक हो सकती है सर. इस करके फांसी तो बाद ये सारे खत सेंसर करके पोस्ट कर दिते जाएंगे सर. तो नाले सर, सारे कैदियों दी मुलाकात 3 दिन लिए बंद कर दी गई सर. इट मीन्स देयर्स नो होप. कोई उम्मीद ना है? ऐसी तो कोई गल नहीं सर. जे फांसी रद्द करनी हो रद्द करने का हुक्म फांसी तो एक मिनट पहला भी आ सकता सर. या टेलीफोन भी आ सकता सर. या सिंगल सर. अच्छे चुनिंदा कांस्टेबल बुलाओ सर. मेन गेट से लेकर फांसी गेट तक चार चार कदम पर एक एक को खड़ा कर दो सर. किसी हवालदार को फोन अटेंड करने का ड्यूटी पर तैनात कर दो सर. अगर आखिरी पल भी ऑर्डर आ जाए तो इतना बिजली की तरह मिलनी चाहिए सर. क्या है सर? गफूर नूं तुहाडे सामने पेश करना. गफूर को किस लिए? सर, फांसी की रस्सी तैयार करन ते बनन तो इनकार कर दिया.
इनकार करता है। पिछले साल तो फांसी की रस्सी तैयार करन ते बनना इसे का कम रहा सर। साहब साहब ये काम मैनू ना दे। काम तो तुमको ही करना होगा। आराम खोर हुक्म आटूली करता है। नहीं साहब नहीं, तुसी हुक्म करो मैं अपने लिए रस्सी बना देंगा, पर लीडर वास्ते नहीं। तेरे भी पार निकल आए हैं हराम खोफ, दो दो खून करके आया है और रस्सी बांधने से इनकार करता है। मैं खून की तने अपनी इज्जत वास्ते जो देश लिए कुर्बानी करता जो उधर रस्सी बनावांगा तो लोग मेरे नाम थुकड़गे। बैनर्जी सर इसका पड़ा टोपी उतार लो। राइट सर। चलेगा साहब। इसका एक महीने का माफी काट लो। सर चलेगा साहब। इसको सेपरेट बंद कर दो और डंडा पीड़ी डाल दो। राइट सर। चलेगा साहब। लोगों को चोरी यारी खातर डंडा बेड़ी लगता है। मेरी तकदीर कितनी अच्छी है, मैनू देशभक्त लिए डंडा बेड़ी लगेगा। फाड़वे दिमाग चढ़ गया है तेरा, चीर कर रख दूंगा इसके। जानकर तेरे को मिलके कबाड़ बनाया था। मैं खुद भी वफादार हूं साहब। सब तो पहला मैं अपने देश की भाई रस्सी बांधेगा। नहीं साहब नहीं, चाहे तुसी मेरी जान ले रहो मैं लीडर वास्ते कम नहीं करागा, नहीं करागा, नहीं करागा। तो क्या तेरा बाप भी बांटेगा? बाप साहब क्या है? बड़े साहब कैदी नंबर 738 फांसी गेट का पागल मर गया साहब। आरएमओ छुट्टी दी दरख्वास्त दे के दोपहर दे चला गया। ये आरएमओ बहुत घटिया है, फांसी के मौके पर बिना मिले छुट्टी लेकर गायब हो जाता है। सर मेरा ख्याल है आरएमओ नु फांसी देखना पसंद नहीं। ऐसा करो सर, सुबह सिविल सर्जन आएगा। यस सर। उस क्रांतिकारी के साथ उस पागल का भी पोस्टमार्टम करवा दो। हेलो 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 क्या है? सर ब्लॉड सब पूछ रहे हैं। आई नो बनर्जी आई नो, तो प्लीज गो एंड कम। सीनियर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन आने वाले रहे या ना, सुबह 6 बजे फांसी देना है। सर
पिछले अद्धे घंटे तो ट्राई कर रहे हैं सर, टेलीफोन नहीं मिल रहा। भारी तूफान से बरसात करके लाइन्स आउट ऑफ ऑर्डर हो गए लग गए सर। सर जी बारिश हो रही है तो पानी फांसी पिट अंदर चला गया है। तो भगवान वाली कोई गल नहीं होगा, फांसी पिट दे अगे रेत के बोरे ला दो। जी सर। तो राइडर को शहर भेजता हूं। भेजा सी सर पर वो वापिस आ गए। क्यों? बई विच बाढ़ आ गई है सर, पानी पुल दे उत्तों दी वग रहा सर। सर रस्सी बंद दी गई है। किसने बांधी है? रानी जमादार ने सर। सर जजमेंट का काफी निकाला है। भाई साहब क्या है? बेबी मैम साहब लोग बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ? दिन भर तो घोरी की तरह उछलती रहती है, तकलीफ तो होगी। वैसे तकलीफ नहीं साहब। फिर कैसी तकलीफ है? बड़े साहब लेबर पेंस हो रही है नहीं। लेकिन डॉक्टर ने तो दो सप्ताह के बाद काट दिया था। सर कदे कदे अंदाजा गलत भी हो जाता सर। अंदाजा गलत नहीं होता सर, आराम नहीं करती। आज भी जेल में घूम रहे थे। बंगले पर नर्स है? बड़े साहब उसे ने क्या है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? सर जोसेफ इतना समझ नहीं पाया था सर, उसने सिजेरियन क्या होएगा सर। हाँ सर, सिस्टर कह रही थी शहर ले जाइए या फिर सर्जन को बुलाइए। सर्जन को बुलाने की जरूरत ना है, शहर ही ले जाना होगा। पर सर शहर की में जाया जा सकता है? शहर दे तो सारे रास्ते बंद ने सर। जी यार कभी दिमाग से काम ले लिया करो, फोन करके सर्जन को बुला लो। फोन नहीं हो सकता सर, सारियां लाइन्स आउट ऑफ ऑर्डर ने सर। जल्दी कुछ करो बड़े साहब, सिस्टर कह रही थी बेबी मेम साहब की जान खतरे में है। कहां से जीन को मैंने इंडिया बुला लिया, अब सर्जन कहां से आएगा? सर कैदी नंबर 842 वीरभूषण एक सर्जन डॉक्टर ही तो है ना। बैनर्जी सर फांसी का कैदी सर्जरी करेगा? सर जरूर करेगा सर, वो बड़ा मजबूत इरादे वाला सर, लोगों नहीं जान दे रहे इनकार नहीं करेगा सर। सीनियर वीरभूषण कन्विंस होगा, वो तो अपने देश अपने कौम के लिए लड़ रहा है, हमें तो वो अपना दुश्मन मानता है। सर वो बहुत दिलदार आदमी है, उसकी सोच कौम धर्म ते मजहब तो ऊपर उठ के असल में इंसानी अखलाकवादी है सर। बैनर्जी जिसे 8 घंटे बाद हमने फांसी के तख्ते पर लटकाना है, उससे जीन का जान बचाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? की जा सकती है सर, जरूर की जा सकती है। वो बड़ा मजबूत निश्चय वाला आदमी है सर, इनकार नहीं करेगा सर। हम सोचने का वक्त नहीं है सर, कैदी नु बंगले ले जाने की इजाजत दो सर। बड़े साहब जल्दी कुछ करो, बेबी मेम साहब की जान बहुत खराब है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम। ठीक है, इट्स ऑलराइट। सीनियर सर अब और कोई चारा नहीं है सर, पूरी सिक्योरिटी के साथ उसे बंगले पर ले आओ सर।
ले लो सर। अगर बटला ही लेना हो तो मुझे बांटो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और मेरी किसी की जान बचा लो, इस वक्त मैं तुम्हारे तुम्हारे सवाल ही इसने ले लो मिस्टर ग्लार्ड, इस तो बिना तुम्हारी वर्दी अधूरी। पेशेंट कितने? अंडर है। मेरिया हथकड़ियां तो लुआ दो। या हथकड़ी खोल दो। सो वीरभूषण, बंगले के चारे पासे हथियारबंद पुलिस तैनात है, नसन की कोई भी कोशिश बेकार। मैं जानता, वो सिर्फ आदमी मारना जानते हैं, बचाना नहीं। जो तकलीफ बांझ नहीं होंदी उसका कोई दुख नहीं होंदा। सिस्टर की पोजीशन है? डॉक्टर साहब 5 घंटे हो चुके हैं। औजार तैयार नहीं। सीनियर सो इंसान जब लाचार हो जाता है दुश्मन पर भी विश्वास करना पड़ता है। सर, इस मुद्दे का इतना अधूर मन कि प्रभावित हुए बिना नहीं लिया जा सकता सर। हाँ सीनियर, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, जिसके सामने मैं इतना निठाल क्यों हो जाता रहा। दरअसल उसकी हर दलील मेरे मन को पार कर अचेत ही दिमाग पर असर करती रही। बीच में से कहीं जिस्म तो जैसे गायब हो जाता है। पहले 112 को मैंने फांसी पर लटकाया है, मेरा जिस्म नशे से फूला नहीं समाता था। मैं समझता था मैं अपनी मारा का बदला ले रहा हूं, पर इस लड़की ने मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं बदला नहीं ले रहा, मैं खुद जुर्म कर रहा हूं। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही नाजी हूं, मैं ही गस्टापो हूं, मैं ही हिटलर हूं। मेरी मारा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी।
दसो ना की है। तू की चाहती है बच्चा? मैं सिर्फ मां खोना चाहती हाँ। मां बनना ही औरत लिए वरदान होता है, बेटा होवे जा बेटी। डॉक्टर साहब बेटा है। हाँ, प्लूरसी हुई है, प्लूरसी, 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 प्लूरसी। तुसी नाना बन गए, लड़का होया। सर कांग्रेचुलेशंस। बादल छट गए, आसमान साफ हो रहा है। ट्रेनिंग कैसी है? बिल्कुल ठीक है सर। सिविल सर्जन आए हैं। कोई जरूरत नहीं, जिन्हें बिल्कुल ठीक ठाक है। वीरभूषण, सिविल सर्जन ते मैजिस्ट्रेट तुहाडी फांसी लिया आए थे। माफी, कॉफी उसनू दियो जिसने अजे जिंदा रहना है। चलो चलिए। कॉन्विक्ट ले जाइए सर। नो कॉन्विक्ट इनखलाफी। क्या बैठा? चलो भी पूछ। तुम्हारे सीने में दागी है, पीठ में नहीं। तुम बहादुर की मौत चाहते थे ना, मैंने तुम्हें वही मौत दी है, शूरवीर की मौत। मैं अकृत कर नहीं हूं। आई गेव यू अ सोल्जर्स डेथ, दैट डेथ यू वांटेड माय बॉय, दैट यू वांटेड। थैंक यू मिस्टर राग, थैंक यू।